कोच में रेलवे स्टेशन पर एड कोच शटल से एक व्यक्ति की कटने से केंद्र कोच में मौत हो गई। मृतक अस्पताल में जिंदगी और मौत से 20 मिनट से अधिक समय तक जूझता रहा, लेकिन डॉक्टर के समय से न आने के कारण उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मृतक कोच तहसील के ग्राम छानी का निवासी इंद्रपाल नाम का व्यक्ति बताया गया है और वह ट्रेन से क्यों कटा इसकी जानकारी नहीं लग पाई। मृतक जिस समय ट्रेन से कटा तो उसके पेट के नीचे का आधा हिस्सा बुरी तरह ट्रेन की चपेट में आ गया था और वह दर्द के मारे करा रहा था। एक 108 एम्बुलेंस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर भी आ गई। यहां पर वह तड़प रहा था और इलाज के नाम पर 0/0 था। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तैनात डॉक्टरों ने तो इस अस्पताल को सिर्फ रेफर केंद्र बना लिया है। डॉक्टर दिनेश बर्दिया जी जब तक आए तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। जब वह तड़प रहा था तो एक नागरिक ने स्टाफ से काफी बहस भी की कि कब आएंगे डॉक्टर, जब वो मर जाएगा, और यह हुआ भी। वहीं इस अस्पताल में तैनात एक अन्य डॉक्टर साहब को सूचना भी की गई, लेकिन वे अपने आवास पर सोते ही रहे। वहीं मौके पर अपने दल बल के साथ पहुंचे प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने मृतक के ग्राम में सूचना करवा दी और आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं। जालौन से हरिओम बुदौलिया की रिपोर्ट, SKH न्यूज। हंड्रेड नंबर को 108 को सूचना दी, 108 नंबर आई और उससे हम लोगों ने जितना हो सका प्राथमिक। कैसी स्थिति है उसकी? उसकी स्थिति अभी हम लोग को उसका अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन अभी आपका क्या मामला है? पूरा ये पूरा मामला ये फोन आया था वहाँ से स्टेशन अधीक्षक का। कितना समय हो गया इसको? एक मिनट मारता हूँ। यहाँ से गाड़ी गई, वहाँ से लेके आ गई। तो कहाँ गाड़ी गई? स्टेशन। अच्छा, रेलवे स्टेशन गई। तो ये किस स्थिति में थे वहाँ पर? आधी पट्टी से उस तरफ था, इनका दौड़ा आधा इस तरफ था। कितना समय हुआ यहाँ लाए आप? हो गए होंगे लगभग 15 मिनट हो गए होंगे। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? बुलाया तो है। उसके बाएं पैर में बैक साइड में क्रैश इंजरी हुई है, एब्डोमेन में भी इंजरी हुई है, जिसके कारण चलते 108 एम्बुलेंस उसको लेने गई थी। वो 108 एम्बुलेंस वहाँ से उसको अस्पताल ले कर आई। अभी क्या स्थिति? अभी वो मरीज बड़ी गंभीर हालत में था, साथ में पुलिस भी आई हुई थी, तो उसकी हालत बड़ी गंभीर थी। इलाज के दौरान